गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 25 के 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को करेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस को कराया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं जिनके आपको क्या बनाने हैं, पैसिव बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पैसिव। मीन्स आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, तो हमें आते तो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। 11 नंबर का सेंटेंस देखिए बच्चों क्या है, हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द स्वान। हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द स्वान। चलिए, तो अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो बच्चों हु मतलब कौन, पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। तो हु देखो कौन मतलब ये सब्जेक्ट है, कौन मतलब पता नहीं ना कौन, हु तो सब्जेक्ट हु है, सेव्ड वर्ब है और क्या ये पूरा द लाइफ ऑफ द स्वान इज ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब ये कौन सा टेंस है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो चलिए, हु सब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बनते समय ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों, हुम। क्या बनता है, हुम, डब्ल्यू एच ओ एम, और वाई तो लगता ही है तो वाई हुम, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं वाई हुम। अब उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो द लाइफ ऑफ द स्वान। अब बताओ इसके साथ क्या यूज़ होगा, हेड जो इसका हम पैसे बनाते हैं उसमें हेड बीन यूज़ होता है ना, तो हेड यहाँ लग जाएगा और बीन यहाँ लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेव की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है सेव्ड, तो हम यहाँ लिख देंगे सेव। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, बाई हुम हैड द लाइफ ऑफ द स्वान बीन सेव्ड। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाई हैड यू कमिटेड सच अ मिस्टेक। तो चलिए, फर्स्ट इंटरोगेटिव लिखा है, वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड लिखा हुआ है, तो वाई को हम ऐसे ही लिखा देते हैं। अब देखो यू क्या है, सब्जेक्ट, और सच अ मिस्टेक मतलब ऐसी मिस्टेक, सच अ मिस्टेक, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ओके, तो वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, हैड, फिर सच अ मिस्टेक। अब तो आपको आ गए ना, आपने बना चुके हैं, आप वर्कशीट 24 में भी आपने बनाए हैं। तो वाई हैड सच अ मिस्टेक, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है कमिटेड, फिर बाई, फिर यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई हैड सच अ मिस्टेक बीन कमिटेड बाई। ओके, आई बात समझ में। आगे देखिए, वॉट हैव यू डन टूडे, तुमने आज क्या किया है। वॉट मीन्स क्या, तुमने आज क्या किया है, लास्ट में क्वेश्चन। तो वॉट क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड। यू, यू क्या है बच्चों बताइए, वर्ब, सब्जेक्ट, सॉरी यू क्या है, सब्जेक्ट, डन वर्ब। अब देखो तुमने आज क्या किया है, क्या, क्या किया है, तो बच्चों जो क्या है ना, तुमने आज क्या किया है, तो क्या क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमें पता ही है ना क्या किया है, तो क्या क्या, क्या की प्लेस पर कोई ना कोई, जैसे मैंने आज काम किया है तो काम किसकी प्लेस पर आएगा, क्या की प्लेस पे आएगा ना, तो क्या हो गया एक तरीके से, वॉट ऑब्जेक्ट ही तो हो गया, क्योंकि इसको रिप्लेस करके ही तो कुछ ना कुछ वर्ड यूज़ होगा, तो वॉट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो वॉट हमने सबसे पहले लिखा रहने दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैव, वॉट के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, हैज़ बीन, क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन, वॉट हैज़ बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी डन है मतलब डन थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, तो डन, फिर उसके बाद बाई,
वी बाई वाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर टुडे लिखा है तो टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैज बीन डन बाय यू टुडे। ओके नेक्स्ट देखिए, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। तो देखिए अब हु सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन वर्ब और द ग्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा टेंस है सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए बनाते हैं, तो हु किस में चेंज हो जाएगा, बाई हूम। फिर द ग्लास है ना, अब द ग्लास के साथ हम हैज बीन यूज करेंगे या फिर हैव बीन यूज करेंगे, बताइए। हैज बीन, तो द हैज यहां आ जाएगा और बीन यहां, और ब्रोकन लिखा है तो ब्रोकन यहां, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, By whom has the glass been broken? और क्वेश्चन का, ठीक है, एनी कन्फ्यूजन एट ऑल? नाउ मूव टू सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस, whom was he catching? Whom was he catching? Whom means किसे, किसको, was था he वह catching पकड़ रहा था, वह किसको पकड़ रहा था। देखो बच्चों, हु होता है आपका सब्जेक्ट और जो हुम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, मतलब हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया हु और हुम की सब्जेक्ट फॉर्म हो गई हु। तो आप देखेंगे अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट कैचिंग वन, हमने निकाल लिया कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लगते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट है बच्चों हुम, लेकिन अब सबसे पहले आएगा तो हुम किस में चेंज हो जाएगा, हुम में। जैसे होता है ना शी, शी तो लिखते नहीं है, बाई शी, शी किस में चेंज कर देते हैं, हम हर में चेंज कर देते हैं ना, या फिर ही होता है तो ही को हम हिम में चेंज कर देते हैं, इसी तरीके से हुम को हम किस में चेंज कर देंगे, हु में। और अगर कहीं पर हर लिखा होता है और हर का मुझे सब्जेक्ट फॉर्म बनाना होता है तो मैं इसको शी कर देती हूँ, हिम लिखा है और हिम का मुझे सब्जेक्ट फॉर्म बनाना है तो मैं इसको ही कर देती हूँ, इसी तरीके से हुम लिखा है और हुम का मुझे सब्जेक्ट फॉर्म बनानी है तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, हु, क्या हो जाएगी, हु। अब इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग, तो हु के साथ क्या यूज होगा, was being। अब catching means catch, catch की थर्ड फॉर्म caught, 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 फिर उसके बाद by और फिर he का him। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चेंज करते वक्त कि किस, कौन सा किस में चेंज होगा, और लास्ट में क्वेश्चन, तो सेंटेंस क्या बना, who was being caught by him, ओके, who has been caught by him। आगे बढ़े चलिए, तो बच्चों देखिए 16 नंबर का सेंटेंस है, हु वॉज पनिशिंग द क्रिमिनल। देखिए हु क्या है सब्जेक्ट, पनिशिंग वर्ब और द क्रिमिनल है बच्चों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, तो हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम। अब तो अच्छे से आपको आ जाने चाहिए, आपने बहुत सारे कर लिए तो अब आपको ज़्यादा पता है कि हु बाई हुम में चेंज हो जाएगा, हुम हु में चेंज हो जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए बाई हुम। अब उसके बाद द क्रिमिनल आएगा है ना, द क्रिमिनल। अब देखिए इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ का जब हम पैसे बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिमिनल के साथ वॉज बीइंग सिंगुलर है ना, तो वॉज बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है पनिश और पनिश की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों पनिश्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना सेंटेंस, बाई हुम वॉज अ क्रिमिनल बींग पनिश्ड। ओके
नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का, हुम आर यू कॉलिंग। हुम ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट और कॉलिंग वर्ब। तो हुम किस में चेंज हो जाएगा, हुम। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हु क्या है, सिंगुलर है, तो हु के साथ हम यूज करेंगे इज बीइंग। अब कॉलिंग मींस कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाय और फिर यू। बहुत इजी है, सिंपल सिंपली आपका बन जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन सेंटेंसेस को बनाने में। चलिए तो क्या बना, हु इज बींग कॉल्ड बाई यू। ओके नेक्स्ट देखिए, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हु किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, बाई हु। अब देखो फटाफट से बनाओ, बिना कुछ सोचे बिना कुछ निकाले फटाफट से बनाएंगे हम, बाई हु। अब उसके बाद टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स इज बींग या फिर आर बींग। तो आ सॉन्ग है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आ सॉन्ग, तो आ सॉन्ग के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, इज बींग। और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों संग, एस यू एन जी संग। तो यहाँ पे संग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना सेंटेंस, बाई हुम इज अ सॉन्ग बींग संग। ओके आई बस में नेक्स्ट 19 नंबर का देखिए, वैन विल यू पे द मनी। अब वैन देखो, यू क्या है सब्जेक्ट, पे वर्ब और द मनी ऑब्जेक्ट, और वैन इंटरोगेटिव वर्ड। तो वैन लिखा मैंने सबसे पहले, अब इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल का यूज हो रहा है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वैन विल, और हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, विल बी, बट विल के बाद पहले हम इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, वैन विल द मनी फिर बी। अब पे की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों पेड। अब बच्चों पेड की स्पेलिंग होती है पी ए आई डी। ओके पेड फिर बाई और सब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वैन विल द मनी बी पेड बाई यू। ओके नेक्स्ट देखिए, हुम विल यू लाइक। हुम क्या है ऑब्जेक्ट, किसे, यू मीन्स यू क्या है सब्जेक्ट, लाइक क्या है वर्ब। आप खुद पता लगाइए कि हुम मतलब किसे, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना हमें, हुम मुझे उसे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हुम क्या है ऑब्जेक्ट है, और विल यू क्या है सब्जेक्ट है, और लाइक क्या है वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट की प्लेस, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, हुम। अब देखिए हुम किस में चेंज हो जाएगा, हुम में सब्जेक्ट बनाएंगे ना हम पैसे बनाते समय, अब हुम और विल बी है ना, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल बी, फिर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर बाय फिर यू। देखिए कितना सिंपल है, बहुत इजीली आपको आ जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको सोचने की कोई भी नीड नहीं है, जल्दी जल्दी आप बना देंगे इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसे, कोई भी डर नहीं लगेगा आपको इनका बना देने। तो ये आपके 20 सेंटेंसेस फिनिश हुए, मींस हमारी वर्कशीट 25 फिनिश होती है। तो आज आपको होमवर्क में करना है बच्चों 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।